नमस्कार, मैं नीरज बंगड़ा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी सी एस नेट यूट्यूब चैनल पे। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे भाई, तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, देखिए क्वेश्चन को देखिए। एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कंटेन 1D इनफाइनाइट बॉक्स, ठीक है, 1D इनफाइनाइट बॉक्स है, 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल आर फर्स्ट प्लेस इन ए ब्लॉक एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इफ 7 सच पार्टिकल प्लेस्ड इन द बॉक्स व्हाट विल बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, कितनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी भाई आपकी, बता दीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है भाई, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन 3.5 मार्क्स में बहुत आते हैं। लास्ट टाइम भी आया था, लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, ये इस तरह का ही आया था, मतलब ये नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन आते ही है अभी आपके एग्जाम में, तो ये आप करोगे ही करोगे। तो फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए क्या होगा इसका। कोई पार्टिकल बॉक्स है, कुछ आपका ऐसा होगा, ठीक है, कोई विड वगैरह हमें कुछ दे नहीं रखी है, थ्री पार्टिकल की आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी सिर्फ, तो मान लेते हैं ये आपके एनर्जी स्टेट होगी, ये ग्राउंड स्टेट होगी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, ये सेकंड एक्साइटेड होगी, ये आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगी, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट होगी, और आगे चलिए ये सेवन्थ एक्साइटेड स्टेट होगी। एक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, स्पिन हाफ पार्टिकल, स्पिन हाफ पार्टिकल मतलब 2s+1 के हिसाब से देखेंगे तो एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, ठीक है, तो क्या हो गया आपका e1+e2, मतलब यह इसमें दो है तो 2e1+e2 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई, ठीक है ना, 2e1+e2 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता, अगर एक बिट मान लेते, चलो इसकी मान लेते 0 से a मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ई वन की ई एन किसके इक्वल होगा, एन स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2m a² मतलब टोटल क्वांटिटी आपकी फिक्स रहेगी, वेरिएबल क्या रहेगा, एन वेरिएबल रहेगा, मतलब मैं ई वन की बात करूँ, ई वन की बात करूँ तो क्या रहेगा, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2m a² ई टू की बात करूँ मैं, ई टू की मैं बात करूँ तो 4 टाइम पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2m a², मतलब आपका क्या हो जाए 4 टाइम्स e1। ई थ्री की मैं बात करूँगा, ई थ्री की बात करूँगा तो 9 टाइम्स e1 हो जाए, ई फोर की मैं बात करूँगा 16 टाइम e1 हो जाएगा, अगर मैं ई फाइव की बात करूँगा तो 25 टाइम ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो 2e1+4 टाइम्स e1 विच इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसके इक्वल है, 6e1 किसके इक्वल आ गया अभी 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, e1 किसके इक्वल आ गया अभी आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये था तीन पार्टिकल के लिए, ये था तीन पार्टिकल के लिए। अब भाई आपका कुछ भी हो, मतलब सात हो गए तो क्या हो जाए, दूसरी स्टेट में दो आ जाएंगे, तीसरी में भी फिर दो आ जाएंगे, यहाँ एक बच जाएगा, मतलब ये आपका e1 हो गया, ये आपका e2 हो गया, ये आपका e3 हो गया, ये आपका e4 हो गया, ठीक है, ये बने। तो ये मैं 2 इसलिए लिखा क्योंकि दो पार्टिकल हमने जो पढ़ा है, e1 e2 e3 ये हमने पढ़ा था, जो e1+e2+e3+e4 ऐसे, ये सिंगल पार्टिकल के लिए पड़ा था। तो अब यहाँ पर देखो e1 e2 e3 में कितने, दो पार्टिकल, तो सबके आगे दो दो लगा दो, यहाँ सिंगल तो सिंगल रहेगा, तो 2e1+4e1+2 विच इज 9e1+16e1, तो ये हो गया अभी आपका 2e1+8e1+18e1+16e1, ये हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया 10 10 28 28 एंड 16 28 एंड 16 विच इज इक्वल टू 44e1 एंड 44 मल्टीप्लाई में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 12 12 एंड 12, 132 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा। अगर यहाँ पर मान लो विड ए नहीं है, 2a होती तो यहाँ पर 2a का स्केयर हो जाता, यहाँ भी 2a का स्केयर हो जाता, यहाँ भी 2a का,
वेरिएबल क्या आपका, वेरिएबल क्या आपका एन है, तो एन के अकॉर्डिंग हमने वेरिएबल पुट करके वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं आपको विद डी हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, आपका जो वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग आपने रिएक्ट किया, ठीक है। तो ये और सारी चीज़ें तो सब में कॉमन रहेगी, आपका वेरिएबल ही एन ही वेरी कर रहा है भाई, आपका ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ए1 को क्या बोलते हैं भाई, पता है ना सभी को, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ए3 को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ए4 को हम क्या बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे बोलते हैं भाई, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन था भाई, जैसे मैंने पहले बताया भी, एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है, तो एग्जाम के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज अन अकेडमी। अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद सेलेक्ट योर गोल में CSR UGC NET सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट योर गोल में CSR UGC NET सेलेक्ट कीजिए। ओ सॉरी, ये एंड दब गया मुझसे। CSR UGC NET सेलेक्ट करोगे, देन आफ्टर दैट प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा भाई आपको अन अकेडमी से, अगर आप सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो। प्लस सब्सक्रिप्शन कोई महंगा भी नहीं, पहली बात ये। तो ये 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month का है। अगर आप MSc फाइनल में हो तो आपको 12 month का एटलीस्ट लेना चाहिए, 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 का पड़ेगा। अगर आप MSc में गए हो 24 month का लेना चाहिए, 6,700 के हिसाब से 16,800 रुपये का पड़ेगा भाई। MSc वाले को फ़ायदा ये रहेगा, जो MSc में भी गया उसका MSc का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि MSc में सिलेबस कोई अलग थोड़ी है। तो ये सारे पैकेज है, ये सारे पैकेज, इन पे 10% ऑफ के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ NRJ10। इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के NRJ10 यहाँ रख दो, तो भाई इस पे 10% ऑफ हो जाएगा आपका 1,680 रुपये। नियरली आपका कितना बच जाएगा, 15,000 रुपये बच जाएगा, 2 साल के लिए 15,000 ही लग रहे हैं। इसकी हम बात करें भी, इस पे भी आपका 10% ऑफ हो जाएगा, 11,550 बच रहा था जो, वो उसको काट के आप कितना देना पड़ेगा, 10,395, मतलब 10,000 रुपये या 15,000 रुपये 2 साल के लिए और 10,000 1 साल के लिए। उसमें आप ऑल एग्जाम की प्रिपरेशन कर लोगे, जितने भी एग्जाम चाहे वो CSR NET हुआ, गेट हुआ, जेस्ट हुआ, TIFR हुआ, और जो भाई 2 साल वाले लोग, MSc सिलेबस हुआ, नंबर भी आपके अच्छे बन जाएंगे। ये सारे फायदे हैं, ये सारे फायदे आपके अन अकेडमी प्लस के, ये सारे फायदे हैं आपके अन अकेडमी प्लस के, ये सारे फायदे आपके अन अकेडमी प्लस के। पेमेंट के भी देखना, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर एक बार में पैसा नहीं है तो आप EMI भी कर सकते हो, अगर एक बार में पैसा नहीं है भाई आप EMI भी कर सकते हो। ये सारे फायदे आपके EMI में भी, नो कॉस्ट EMI, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। फ़ायदे क्या है, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन भाई, फिजिक्स भी मिलेगा, पूरा CSR का पैकेज मिल जाएगा आपको। फिजिक्स तो मिलेगा, आप चाहे लाइफ साइंस देखिए, केमिकल साइंस देखिए, मैथमेटिकल साइंस देखिए, कुछ भी देखिए, पूरा कोर्स मिलेगा आपको, जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस है। ऐसा नहीं है अभी आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, अनलिमिटेड जितने भी फैकल्टी है उनकी एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, दैट डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कितनी बार ही देखिए। डाउट सेशन होंगे भाई, मेरी क्लास में हर थर्ड डे मैंने डाउट सेशन रख रखा है। PDF होगा भी, सभी क्लास होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा भाई सभी फैकल्टी से, मुझसे भी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज करवाया जाएगा और होमवर्क होगा, ठीक है। मतलब ये सभी फायदे, ये सभी फायदे आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल पर लगेंगे, या और कहूँ तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा आप सीरियसली पढ़ोगे तो। और मैंने क्वांटम शुरू कर रखी है अन अकेडमी प्लस पे, आप जाओगे तो आपको टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट इज NRJ10, ये अपना कोड है NRJ10। भाई जिन बच्चों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो स्पेशल क्लास भी होती है अन अकेडमी पे, मेरी प्रोफाइल जाना, मुझे फॉलो करना, ठीक है, अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास होती है, ठीक, आज 6 PM पे है, तो आप जाके वो देख सकते हो, 6 PM पे है, स्पेशल क्लास होती है, लाइव होगी, ठीक है। इसके लिए ये फ्री होती है भाई, इसके लिए कोई चार्ज नहीं जाता। आप यहाँ जाना, 65+ वीडियो है, सी ऑल में जाना, सारी वीडियो देख लो, अपने यूट्यूब चैनल पे आपने देख लिया, 125+ वीडियो है, हर रोज़ वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मतलब ये दोनों सोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ आप स्ट्रीम लाइन में प्रिपरेशन करना चाहते हो और लिमिटेड टाइम में अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका एक ऑर्डर में आपका सिलेबस हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बात थी जो मैंने आपको बता दी है, आप एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है इसलिए आपको अब सीरियस तो होना ही पड़ेगा। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है यहाँ से। ए सैटेलाइट मूव अराउंड ए प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स सेंटर
टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज टी. इफ द सेम सैटेलाइट इज टेकन टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 आर अराउंड द सेम प्लैनेट टाइम वुड बी, क्या होगा भाई बता दीजिए. बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. सैटेलाइट मूव अराउंड ए प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए. ये देख क्वेश्चन को समझिए भाई, क्वेश्चन को समझिए. हाँ ये तो पता लग गया होगा ना क्या है भाई, ये तो पता लग गया होगा ना क्या है. कैपलर, ठीक है, कैपलर है भाई ये, तो उसमें एक रिलेशन होता था, उसमें एक रिलेशन होता था अगर आपको याद हो तो भाई. उसमें एक रिलेशन होता था, कुछ ऐसा रिलेशन था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की क्यूब, ठीक है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की क्यूब. इसने क्या पूछा है, ए सैटेलाइट मूव अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर सॉरी नॉट फ्रॉम इट्स सेंटर, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ टी, जब आपकी रेडियस आर थी तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या था, टी था. इफ द सैटेलाइट टेकन टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 आर, आपके पास सैटेलाइट हम 4 आर पे ले गए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जब भाई आपका क्या कहते हैं टी टाइम, जब आपकी रेडियस आर थी तो टाइम आपका कितना था, टी था, लेकिन इनका रिलेशन ये होता है, अब इनका रिलेशन ये होता है, अब मैंने क्या कर दिया, रेडियस को 4 आर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 आर, ठीक है. तो अब मुझे टाइम पता करना है, ये आपका इनिशियल टाइम होगा, ये आपका फाइनल टाइम हो गया, ठीक है. तो टी एफ का स्केयर किसके इक्वल हो गया भाई, टी एफ का स्केयर किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, दैट मीन्स 64 आर क्यूब, 64 आर क्यूब, ठीक है. तो टी यहाँ से मैं देखूँगा तो क्या कहते हैं, अगर मैं रेशो निकालूँ तो टी एफ बाई टी आई का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होगा भाई, 64 आर क्यूब बाय आर क्यूब, कैंसल कैंसल, तो टी एफ बाय टी आई का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होगा भाई, 64 के, मुझे निकालना है फाइनल टाइम. तो टी एफ किसके इक्वल आ गया भाई, ये टी 64 टी आई, इसका स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर अंडर रूट करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाए भाई, ये आपका अंडर रूट में ऐसे, चलो मैं ये लिख देता हूँ, कोई गड़बड़ी हो कर समझ लो ये ऐसे, ठीक है. तो टी एफ हमारा किसके इक्वल आ गया, 8 टी, टी एफ किसके इक्वल आ गया, अरे सिंपल सी बात है, स्केयर है इसको हटा दो, यहाँ से यहाँ 8 बन जाएगा, और नहीं कन्फ्यूजन क्यों कर रहे हो, सिंपल सा यहाँ पर 8 बच जाएगा, ये उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 8 बच गया, यहाँ पर आपका टी बना गया, मतलब 8 टाइम्स आपका टी का हो जाएगा, जो आपका इनिशियल है वो आपका 8 टाइम्स हो जाएगा आंसर आपका. इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं अभी पेपर में, 8 टी हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. ई इजिकल टू एक्स वाई प्लस में 2 वाई जेड प्लस में 3 एक्स जेड, ई स्केयर ई टू इजिकल टू वाई स्केयर प्लस में 2 एक्स वाई प्लस में जेड स्केयर प्लस में 2 वाई जेड, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, एक डायरेक्शन दे रखी है, एक्स वाई आपका आई के साथ है, एक्स वाई स्केयर आपका आई के साथ है, 2 वाई जेड आपका जे के साथ है, 2 एक्स वाई प्लस में जेड स्केयर आपका जे के साथ है, 3 एक्स जेड आपका के साथ है, 2 वाई जेड आपका के साथ है, वेक्टर क्वांटिटी आपको याद रखना है. क्या पूछा, बोथ आर द इम्पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बोथ आर द पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बोथ आर द ई वन इज द पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड ई टू इज द पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. बड़ा ही आसान है अभी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कब होता है, मतलब क्या है आपका फील्ड, क्या है कांस्टेंट है स्टैटिक है, यही तो बात है, कब होता है वो स्टैटिक फील्ड, कब होता है अभी बता दीजिए। अरे बताया तो ये होता है डेल क्रॉस सी, अगर आपका जीरो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो यहाँ पर ई वन देख लो और डेल क्रॉस ई टू देख लो, अगर ये दोनों जीरो हो गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो सा जीरो नहीं हुआ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। तो पहले वाला ले लेते हैं, पहले वाला लेते हैं एक्स वाई टू वाई जेड एंड थ्री एक्स जेड, ई वन है आपका एक्स वाई आई प्लस में टू क्या था भाई, टू वाई जेड जे प्लस में थ्री एक्स जेड, डेल क्रॉस ई वन कीजिए, डेल क्रॉस ई वन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स आई मीन टू से आई जे एंड के, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, और क्या बच गया भाई, और क्या बच गया, और ये बच गया आपका एक्स वाई टू वाई जेड एंड थ्री एक्स जेड। तो आई वाला कीजिए पहले, आई वाला कीजिए, ये गया ये गया, यहाँ पर वाई की कोई टर्म नहीं जीरो है, यहाँ पर जेड की टर्म है भाई, मतलब आपका टू वाई आ गया, ठीक है, विद माइनस साइन, विद माइनस साइन। अब जे के लिए कीजिए, जे के लिए कीजिए, ये वाला गया और ये वाला गया, यहाँ पर एक्स की बची हुई है दैट इज थ्री जेड, और यहाँ पर आप देखिए कोई टर्म नहीं है वाई जेड के लिए, जीरो हो गया, प्लस में के लिए चलिए भाई, के लिए चलिए, ये हो गया आपका जीरो और ये हो गया आपका वाई माइनस एक्स। तो ये तो क्वांटिटी आपकी किसी भी कीमत पे जीरो नहीं है, तो मतलब बात करें बहुत आधा पॉसिबल ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, 50% आप ठीक हो गए हो। अब एक और कर लेते हैं, 50% फिर ठीक हो जाएंगे। ई वन आपका वाई स्क्वेयर टू एक्स वाई एन जेड स्क्वेयर, ई टू है आपका वाई स्क्वेयर आई प्लस में टू एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वेयर जे प्लस में टू वाई जेड के, टू वाई जेड के, डेल क्रॉस ई टू, डेल क्रॉस ई टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डेल क्रॉस ई टू आपका हो जाएगा आई जे के, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई एंड करली बाई करली जेड, ठीक है, और भाई ये होगा आपका वाई स्क्वेयर, यहाँ होगा टू एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वेयर और यहाँ होगा टू वाई जेड। तो मैं आई वाला निकाल लेता हूँ, आई वाला ये वाली रो गई और ये वाली रो कैंसिल आउट होगी, तो ये हो जाए टू वाई, तो मतलब क्या बच गया, टू जेड बच गया भाई, यहाँ पर इसका जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जेड आपका हो बचेगा, तो माइनस टू जेड। अब माइनस जे की बात कीजिए भाई, ये वाली रो गई और आपकी ये वाली दोनों रो गई, तो भाई क्या बच गया, करली बाई करली एक्स ये आपका जीरो हो गया, करली बाई करली जेड ये आपका जीरो हो गया, ये आपका ऑलरेडी जीरो हो गया। अब बात करें भाई के लिए, तो के में ये वाली गई और ये वाली फुल फुल टर्म गई, तो यहाँ पर देखोगे तो टू वाई आएगा, यहाँ पर देखोगे टू वाई आएगा और यहाँ पर देखोगे अगेन टू वाई आ गया, तो मतलब ये होल टर्म आपकी क्या होगी, जीरो होगी, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये जीरो बना ही था। तो हमारा रिजल्ट क्या आया भाई, हमारा रिजल्ट आया बहुत सारा इम्पॉसिबल भी नहीं है, ओनली डी टू, डी टू आपका क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ओनली डी टू आपका क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, समझ में आया, यस और नो। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गेट में भी आया यही क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड में भी रिपीट हुआ है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता दीजिए फटाफट बता दीजिए। एट द इंटरफेस बिटवीन टू लीनियर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बेंड एज शोन इन फिगर, एज्यूम दैट देर आर नो फोर्स, देर आर नो फ्री चार्ज एट द इंटरफेस, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन वन बाई एप्सिलॉन टू, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन वन बाई एप्सिलॉन टू,
बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। कीजिए, बाउंड्री कंडीशन लगेगी, क्या लगेगा? बाउंड्री कंडीशन भाई देखो, ये एंगल हुआ तो ये आपका क्या वर्टिकल कंपोनेंट है और ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। एंगल वर्टिकल के साथ बना हुआ तो यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा आएगा, ये यहाँ पर हॉरिजेंटल के साथ ये साइन ऑफ थीटा आएगा। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा, वो हम उसकी बात करेंगे। तो हमने जब बाउंड्री कंडीशन की थी, जब हमने बाउंड्री कंडीशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो कुछ ऐसा नहीं आया था भाई, ई पैरेलल अबो इज इक्वल टू ई बिलो पैरेलल, ठीक है, मतलब पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके सेम होंगे अबो के और बिलो के। तो मान लेते ही, मान क्या लेते हैं, ये हमें लग रहा है ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला है, ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वल होगा। तो पैरेलल में भाई, पैरेलल में कौन सा होगा, ये कंपोनेंट होगा या ये कंपोनेंट होगा, तो परपेंडिकुलर वाला पैरेलल में ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो भाई अब ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ही तो है, ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ही तो है, मतलब आपके ई आई, तो ये क्या हो जाए, ई साइन थीटा, लिखिए ई साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर आप ऊपर वाले को ई वन बोल दीजिए, और तो क्या है, ई वन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई टू साइन ऑफ थीटा, ई वन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई टू साइन ऑफ थीटा। आगे बात करें भी, आगे बात करें तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मैं यहाँ पर बात करते हैं, एक रूल ये भी होता है भाई, एक रूल ये होता है, डी परपेंडिकुलर अबो इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर बिलो। डी किसके इक्वल होता है भाई, अबो वाला एप्साइलन वन ई वन, बिलो वाला एप्साइलन टू ई टू, ये होता है। तो भाई अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, इसका परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा एप्साइलन वन ई वन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एप्साइलन टू ई टू कॉस ऑफ थीटा, ये रहेगा भाई, ये रहेगा भाई आपका, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, यहाँ पर मैंने एक को थीटा वन लिया, एक को थीटा टू लिया है, तो यहाँ पर आप, यहाँ पर थीटा वन एंड थीटा टू, थीटा वन एंड थीटा टू, ठीक है, ये आप करोगे, ये आप करोगे। तो भाई अब यहाँ से, यहाँ से क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ई वन साइन ऑफ थीटा वन डिवाइड बाई एप्साइलन वन ई वन कॉस ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू ई टू साइन ऑफ थीटा टू डिवाइड बाई, इसको उठा के इसके नीचे कर दिया ना हमने, एप्साइलन टू ई टू कॉस ऑफ थीटा टू, भाई एप्साइलन से नहीं सॉरी, ई टू से ई टू गया, ई टू से ई टू गया, और ई वन से ई वन, साइन थीटा कॉस थीटा वन क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ थीटा वन एंड डिवाइड बाई एप्साइलन वन, एंड दिस वन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा टू डिवाइड बाई एप्साइलन टू, मुझे क्या निकालना है, एप्साइलन वन बाई एप्साइलन टू निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट ऑफ थीटा वन बाई टेंजेंट ऑफ थीटा, ये रिजल्ट आ गया भाई, ये आपका रिजल्ट आ गया। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन आपका ठीक हो गया, ए ऑप्शन आपका ठीक हो गया भाई, ठीक है। ऐसे आपको करना, सिर्फ क्या करना था, इसको बाउंड्री कंडीशन लगानी थी, क्या करना था, बाउंड्री कंडीशन लगानी थी। तो अभी जैसे मैंने बताया, अगर आप स्ट्रीम लाइन में चाहते हो अपने प्रिपरेशन, तो अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, 6 PM पे मेरी अनअकैडमी पे लाइव क्लास है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री है। प्लस क्लास मेरी स्टार्ट हो चुकी है, क्वांटम में शुरू कर रखी है, तो प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा NRJ10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर भाई पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, लाइक नहीं करते हो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको और वीडियो मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते आपको शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।